मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को आज एक ऐतिहासिक निर्णय द्वारा जो उनको इंसाफ दिया है, उसके लिए हम श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ बहुत अत्याचार किए गए। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बेटियों से उनके हक छीने गए। जब भी जम्मू कश्मीर से यहां की किसी बेटी का विवाह, उसकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, उसके सारे जम्मू कश्मीर में संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। क्रिमिनल इनजस्टिस जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ यहां कांग्रेस नेशनल का बाहर के किसी अन्य राज्य में होती थी, उसके जम्मू कश्मीर में सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। और यहां तक कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अगर किसी लड़की की शादी जम्मू कश्मीर में की जाती थी, उसको सारे अधिकार दिए जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेटियों के अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और जम्मू कश्मीर की बेटियां अब चाहे उनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होगी, उनके बच्चों को, उनके पति को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के अंदर दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के अंतर्गत जो 35A का प्रावधान था, उसके चलते यहां की महिलाओं, यहां की बेटियों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ होता था। डॉक्टर सुशीला साहनी वर्सेस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का वो केस आपने देखा होगा। डॉक्टर सुशीला साहनी जी, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अधिकारों के लिए, जब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को समाप्त किया जम्मू कश्मीर में, उस वक्त डॉक्टर सुशीला साहनी जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 7 अक्टूबर 2002 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फुल बेंच ने जब डॉक्टर सुशीला साहनी जी के पक्ष में निर्णय दिया कि जम्मू कश्मीर की सभी बेटियां जो जम्मू कश्मीर से बाहर जिनकी शादी होती है, उनको भी जम्मू कश्मीर में अधिकार मिलेंगे, वो ऐतिहासिक निर्णय था। लेकिन उसके तुरंत बाद, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस निर्णय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, ताकि महिलाओं के अधिकार जो कोर्ट ने बहाल किए थे, उसको समाप्त करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 2002 में कोर्ट चली गई। अब चूंकि 2002 के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने और बड़ा जुल्म किया जम्मू कश्मीर की बेटियों और बहनों और माताओं के साथ, यहां की महिलाओं के साथ। कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने मार्च 2004 में जम्मू कश्मीर